हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्रिसमस गिफ्ट के नाम पे एक मेकअप लवर को क्या गिफ्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये एल्फ का हेलो ग्लो, और ये लिक्विड फिल्टर ग्लो बूस्टर फॉर रेडिएंट स्किन। ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, मेरी ड्राई स्किन टाइप है, और इस पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट वर्थ है परचेज करना। हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर, जो कि शार्लेट अर्बरी का एक प्रोडक्ट है, उसी का ये अफोर्डेबल ऑप्शन है, टोटली वर्थ परचेजिंग है। और ये क्यों वर्थ है परचेज करना, आपको मैं क्लिप इंसर्ट करके दिखा ही दूंगी। ये डोफुट एप्लीकेटर है और बहुत ही अच्छा ग्लोई फिनिश देता है। मेरी मीडियम स्किन टोन है और उसको ये बहुत अच्छे से सूट करता है। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है मुझे इस प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में, और इसका जो कलर पे ऑफ है वो भी बहुत अच्छा है। आप फाउंडेशन या स्किन टिंट में मिक्स करके भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, ऑन इट्स ओन भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। शीयर टू मीडियम कवरेज देता है। मेरी इस एरिया पे एक्ने रहता है, पर इसको अप्लाई करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्ने मार्क्स को ये ज़्यादा हाइड नहीं करता है, तो आप कलर करेक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट अप्लाई करो। आप ऐसा करना चाहते हो या आप जिसको दोगे आप उसको बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हाईली रिकमेंड, एल्फ का हेलो ग्लो प्रोडक्ट। फेस्टिव सीजन है और सब सेलिब्रेशन के मूड में रहते हैं, तो हाइलाइटर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकती कि ज़्यादा लगा लिया, बिकॉज इट्स ऑल यू नो, बड़ा मज़ा आता है ग्लैम लुक्स क्रिएट करने में ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो मैं अपना कल्ट फेवरेट हाइलाइटर बाय मेबलिन मास्टर क्रोम इन द वेरिएंट मोल्टन गोल्ड सजेस्ट करूंगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो तो ये शेड बहुत अच्छा है मीडियम स्किन टोन्स के लिए, मीडियम टू डीपर फॉर दैट मैटर। और ये फाइनली मिल्ड पाउडर है, बहुत ही प्यारा लगता है ये स्किन पे। आप सटल वे में भी यूज़ करने बोल सकते हैं जिसको भी आप दे रहे हो, या फिर फुल ब्लाइंडिंग इफेक्ट के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत काम आता है। फाउंडेशन में लोग इसे थोड़ा सा स्क्रेप करके भी यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग दैट ग्लो फ्रॉम विद इन लुक। सो फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, मस्ट चेक दैट आउट। हाँ, आज की वीडियो में मैंने जो नेल पेंट्स लगा रखे हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी क्रिसमस वाइब वाले ग्लैम नेल्स हैं। एसेंस का हैप्पीली एवर आफ्टर दिस नेल पेंट, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल इन इंडिया, पर इट्स अवेलेबल इन यूएई। तो ये मैंने अप्लाई कर रखा है, और इसके ऊपर जो मैंने लगा रखा है ना, उससे तो मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। दिस इज़ बाय मिनीसो, और उनका ये होलोग्राफिक नेल पेंट है, एंड आई एम इन लव विद दिस। इसको मैंने गोल्डन अपने नेल पेंट के ऊपर, जो नायका का मैं नेल पेंट गोल्डन वाला लगाती हूँ उसके ऊपर भी लगा के देखा, फिर इस एसेंस वाले पे भी लगा के देखा। मैं क्लोजअप डालूंगी, आपको बेटर रेफरेंस मिलेगा। तो मिनीसो जाके भी आप शॉपिंग कर सकते हो, इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट दैट यू कैन हैव एंड गिफ्ट टू समबडी, बिकॉज दिस इज अ रियली ब्यूटिफुल होलोग्राफिक नेल पेंट अप्रोप्रिएट फॉर क्रिसमस टाइम। नेक्स्ट अप आर दीज, ये मोयरा कॉस्मेटिक्स के आई शेडोज हैं, लिक्विड आई शेडोज हैं। डरिए मत लिक्विड आई शेडो सुनते ही, पर मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। तो ये कलर कुछ ऐसा है, लेट मी स्वॉच इट हियर। दिस इज इन द शेड रीगल, ये पर्पल कलर का आई शेडो है, और इसमें ना बहुत सारे शिफ्ट्स भी हैं, लाइट जब पड़ती है। तो आपको मैं वैसे भी क्लोजअप दिखाऊंगी, डोंट वरी। दिस इज मोयराज डायमंड डेज लिक्विड आई शेडो द वेरिएंट ग्रीन पैराडाइज, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एमरल्ड ग्रीन कलर का आई शेडो है। क्वाइट लाइक द शेड, एंड डोंट गेट इंटिमिडेटेड, आपके लिट्स पे ये जब जाएगा तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। ट्राई करके जरूर से देखना मोयरा के लिक्विड आई शेडोज, मुझे मान जाओगे आप। सो ये ब्रांड है, इंडिया में भी अवेलेबल है, और शेड कुछ ऐसा दिखता है, क्रिसमस अप्रोप्रिएट है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लिक्विड आई शेडोज ट्राई किए हुए हैं, और मेरे लिड पे जब भी मैं कोई लिक्विड आई शेडो किसी ब्रांड का लगाती थी तो वो पूरा क्रीस में बैठ जाता था या क्रीसी हो जाता था, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। इसको जब मैं लगा रही थी स्पेसिफिकली रीगल को पहली बार, तो उस समय मैंने सोचा था हाँ अब तो ये वैसे ही यहाँ पे क्रीस में बैठ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा।
आई वॉज सो रॉन्ग. बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, बिल्कुल भी क्रीज में नहीं बैठता, बहुत सुंदर दिखता है. मेरी जो फाइन लाइन्स है लिट पे उसको भी एकदम से उभर के नहीं दिखाता है. सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. एंड अगर आप किसी को दे रहे हो तो 10 लिक्विड आईशेडो उनके पास होने के बजाय एक अच्छी क्वालिटी का लिक्विड आईशेडो हो वो बेटर है. इससे आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे. सो आई वुड से गो फॉर मोयरा लिक्विड आई शेडोज. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड आई शेडोज आई हैव कम अक्रॉस इन पास्ट 7 ईयर्स. नेक्स्ट अप है लिप कैटेगरी. तो यू ही व्यूअर्स को मैं बता दूं, मैक के पास इस समय स्टोर पे भी और ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे सेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो किसी को गिफ्ट देने के लिए. उनका जो रूबी वू है उसके साथ मिनी ग्लॉस आ रहा है और एक न्यूट्रल वेरिएंट भी है, तो आप वो जाके देख सकते हैं. आई थिंक ब्रॉन्ज इज द शेड नेम एंड विद दैट ऑल्सो ग्लॉस इज कमिंग. देन देर आर सेवरल शेड्स जिसमें आपको ट्रियो मिल जाएगा. तो मैक के क्रिसमस टाइम के जो कलेक्शन होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, आपको सही दाम पर मिल जाता है. और फिलहाल जो सेट्स हैं उन पर भी सेल लग रही है, तो उसके जो प्राइसेस है वो स्लैश हो गए हैं. तो आप ऑनलाइन जरूर से चेक कर लेना, नहीं तो स्टोर पे जाके चेक करो. मैक के सेट्स जरूर से चेकआउट करो, वो वर्थ है परचेज करना और किसी को गिफ्ट देना. बिकॉज मैक इज अ रियली गुड ब्रांड, देयर इज नो डाउट इन दैट. आई लव मैक एंड दैट्स व्हाई आई एम लेटिंग यू नो. एंड मेनी पीपल नो मैक हु लव मेकअप, नो दे आर वेल अवेयर ऑफ मैक. सो आई नो उनका जो हाइप है वो थोड़ा डाई डाउन हो रहा है, बट मैं अभी भी मैक के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ एंड आई एम नॉट डिससैटिस्फाइड. So I'm just recommending that you go and check out all the sets out there and you might find something at a very reasonable price. क्योंकि I think 150 दिरहम का जो product था वो अभी 75 दिरहम का आ रहा है. उन्होंने price slash कर दिया है. अब जो भी रीजन है जिसकी वजह से स्लैश किया है, बट या यू कैन गेट इट एट अ रियली रीजनेबल प्राइस. मिनी लिपस्टिक, मिनी लिप ग्लॉस और उसके अलावा बहुत सारे ट्रियोज भी निकाल रखे हैं उन्होंने. सो यू कैन चेक दैट आउट. तो मैक के बारे में जब मैं बात करती हूँ, अगर आपको किसी को देना है न्यूट्रल लिपस्टिक आप देख सकते हो. अगर आपको लाउड लिपस्टिक नहीं देनी है तो मैक का ये जो लिपस्टिक है ना ओवर द टॉप शेड में है. मैंने मैक के सारे लगभग लिप फॉर्मुलेशन ट्राई कर रखे हैं. आई क्वाइट लाइक दिस लिप फॉर्मुलेशन एज वेल, वेरी नाइस. तो अगर आप एक हाई एंड ब्रांड से किसी को कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा. ओवर द टॉप इज द शेड नेम. इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप शेड जाके एक्सप्लोर कर सकते हो. और ये जो शेड है मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ओवरऑल मुझे यही कहना है कि ये प्रोडक्ट इंडियन स्किन टोन्स को आराम से सूट करता है. अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो. इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. डिफरेंट शेड्स भी हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हो. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि चेकआउट मैक एंड देयर गिफ्ट सेट्स, यू विल सेव सम कॉइन्स ओवर देयर. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो स्मैश बॉक्स का है. मैंने देखा है नायका पे मैक के ज्यादा सेट्स नहीं मिल रहे हैं, लिपस्टिक मिल रही है बाय स्मैश बॉक्स. तो वो आप ले सकते हो. ड्राइवर सीट है और एक और शेड है. सो बेसिकली आई हैव गॉट ड्राइवर सीट विथ मी. आई लव दिस शेड एंड द फॉर्मुलेशन. वेरी लाइट वेट लॉन्ग वेयरिंग फॉर्मुलेशन है बाय स्मैश बॉक्स. दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ लेटिंग यू नो. अगर आपको वो लिप किट उठाना है या आपको स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक किसी को देनी है, येस इट इज अ गुड फॉर्मुलेशन हाई एंड में जो कि इंडिया में अवेलेबल है. एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. इट्स अ ब्यूटिफुल पीच शेड एंड इट विल सूट मीडियम स्किन टोन्स ईजिली. और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लाइट वेट है और लिप्स पे बहुत अच्छा लगता है. अगर किसी की ड्राई लिप्स है तो वो ये ट्राई कर सकता है. एक्सट्रीमली सुखा नहीं देता ये लिप्स को. अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला और इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक्स आप चेकआउट कर सकते हो. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.